हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखो, ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लोग शेयर मार्केट में कैसे पैसे लॉस कर देते हैं और ऐसे कौन से शेयर से जिसमें रैली तो अच्छी आई और लोगों ने इन्वेस्ट भी किया और वो बहुत ज़्यादा डूब गए। ऐसे हम कुछ 6 शेयर से इनके बारे में बात करेंगे, लोग जिनमें बहुत बर्बाद हो चुके हैं। तो वो शेयर्स तो हम देखेंगे, पर इससे हमें लेसन एक मिलता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी हो, फिर भी आपको चार्ट देखना पड़ेगा कि आपका शेयर जा कहाँ रहा है, कौन से लेवल्स तोड़ रहा है, हमें क्या देखना चाहिए, ये सब चीज़ें हमें देखनी है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। इस लिस्ट में हमारा पहला शेयर है सबका फेवरेट यस बैंक, जिसमें आज भी लोगों ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है और सोच रहे हैं कि चलो ये शेयर खरीद के हम फिर से लखपति बन जाएंगे। यस बैंक पे बहुत गलत वीडियोस आ रहे हैं यूट्यूब पे, पूरे यूट्यूब पे गलत वीडियोस आ रहे हैं यस बैंक वोडाफोन दोनों शेयर्स पे। तो पहले हम देखते हैं यस बैंक। अभी यस बैंक का ये चार्ट है, देखो ये रैली देखने के बाद अगर ये रैली समझो कोई भी देखता है, मैंने देखी थी ये 2015 में ये रैली, जब ये ब्रेकआउट आया था तब मैंने भी इन्वेस्ट किया था यहाँ पे, यहाँ आके मैंने सेल किया था ये शेयर। तो क्योंकि ये जब ब्रेकआउट आया था, ये ब्रेकआउट आने के बाद मैंने इसे शेयर यहाँ पे सेल किया था, यस बैंक का शेयर, क्योंकि ये ब्रेकआउट आ गया फिर ऊपर गया था, पर मैंने फिर बाद में इसके तरफ देखा नहीं। और उसके बाद चलो समझो जब ये ब्रेकआउट आया, यहाँ नीचे आने के बाद यहाँ जब ऊपर जाना स्टार्ट किया, तो बहुत लोगों ने ये लेवल पे इन्वेस्ट किया था। कोई भी इन्वेस्ट करेगा काफी प्रॉपर लेवल है, पर उसके बाद शेयर जो गिरा है, तो मतलब समझो जिसने 350-400 के ऊपर खरीदा शेयर, वो अभी 13 रुपए पे आके गिरा है, 13 के भी नीचे था शेयर कुछ दिन पहले। तो इसको बोलते वेल्थ डिस्ट्रॉयर, वेल्थ अपनी आप पूरी डिस्ट्रॉय कर देते ऐसे शेयर में। तो पहला शेयर हो गया यस बैंक। बताना ही चाहूंगा कि ऐसे शेयर से आपको दूर रहना है, जिसमें न्यूज हो उसमें चले जाओ, पर नॉर्मली यस बैंक और इसमें कोई न्यूज नहीं है। फिलहाल आती है कुछ, उसका पूरा यूट्यूब पे गेम हो जाता है और कुछ होता नहीं शेयर में। तो पहला शेयर रहा हमारा यस बैंक। अभी हम देखेंगे दूसरा शेयर। दूसरा शेयर है वोडाफोन आइडिया। देखो जब ये वोडाफोन आइडिया अभी हुआ, पर पहले तो ये वोडाफोन करके था, सिर्फ वोडाफोन नाम से था ये, समझो पकड़ लो ये शेयर में अगर हम लेवल्स निकालने जाते हैं, ये इसका हम पकड़ लेते रेजिस्टेंस था। जैसे ही ये रेजिस्टेंस क्रॉस हुआ, अपवर्ड मूवमेंट है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है, परफेक्ट राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है, लेवल तोड़ी, यहाँ पे लोगों ने इन्वेस्ट किया और यहाँ पे लोगों ने इन्वेस्ट किया, यहाँ पे भी एक राउंडिंग बोल सकते हैं, ये लेवल ब्रेक किया, ऊपर बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ लोगों ने बहुत ज़्यादा खरीदा था ये शेयर, जो ऊपर के लेवल पे ट्रेड कर रहा था। और फिर जो ये नीचे आया, तो शेयर ने बॉटम बनाया था वोडाफोन आइडिया ने 1.90 रुपए का, तो 1.90 रुपए तक वोडाफोन आइडिया गिर गया। सोचो जिन्होंने ऊपर के लेवल पे खरीदा, मतलब 119-120 के लेवल पे खरीदा, वो 1 रुपए आने के बाद उसकी क्या कंडीशन हो गई होगी। वोडाफोन आइडिया कंपनी बुरी नहीं, 28,000 करोड़ की कंपनी है अभी भी, पर इसकी कोई न्यूज नहीं आ रही, फिलहाल कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो रहा कंपनी के लिए। तो ऐसे शेयर से हमें दूर रहना है। उसके बाद वाला शेयर हमारा है जो है वीडियोकॉन। देखो वीडियोकॉन का ऑल टाइम हाई है 625 रुपए, 625 रुपए का ऑल टाइम हाई, 626 रुपए का ऑल टाइम हाई, और इसकी अभी करंट मार्केट प्राइस है 5.55 रुपए। तो सोचो 600 वाला शेयर 5 रुपए पे आ जाता है, अभी करंट 5 है, उसके भी नीचे होगा, देख लेते हैं हम। ये देखो शायद इमेज में उन्होंने गलत दिया है, पर मैं कहना चाहूंगा इस शेयर का ऑल टाइम हाई अगर देखा जाए, तो इसने हाई लगाया था 870 रुपए का। तो 870 रुपए का शेयर अभी 5 रुपए में आपको मिल रहा है, 870 वाला शेयर 5 रुपए के आसपास मिल रहा है, और इसने लो देखो, लो भी कितने का बनाया था, 98 पैसे का, सिर्फ 98 पैसे का इसने लो लगाया था, इतने नीचे आया था, मतलब
800 वाला शेयर, 870 वाला शेयर 98 पैसे पे आ जाता है, इसमें कितने लोग बर्बाद हुए होंगे वो देखो। ये रैली में तो कोई भी पार्टिसिपेट करेगा, अगर शेयर ऐसी मूवमेंट देता है, ये मूवमेंट देता है, तो इस रैली में तो कोई भी पार्टिसिपेट करेगा, मेरे जैसा भी कर लेगा। थैंक गॉड मैंने किया नहीं था इसमें। और ये लेवल है 2007-08 की, चलो तब तो मार्केट में भी नहीं था मैं 2007-08 में। तो यहाँ पे इतनी बड़ी मूवमेंट कर ली इसने शेयर ने, तो कोई भी एंट्री करेगा सोचेगा चलो होल्ड कर दे, नीचे गिरा सोचेगा चलो रिकवर कर देगा, 700-800 तक आ जाएगा। नहीं, ये 870 से गिरा सीधा, देखो 82 रुपीज, मतलब 1000% गिरा ये शेयर, 1000% इसमें लॉस हुआ, फिर रिकवर किया। तो ये रिकवरी में भी लोग सोचते हैं कि यार चलो कर लेते हैं इसमें एंट्री, यहाँ पे बहुत लोग फंसे होंगे ब्रेकआउट पे। और वहां से भी देखो 300 रुपए से भी शेयर नीचे आता है, 5 रुपए पे अभी ट्रेड कर रहा है, 98 पैसे पे आता है, 300 रुपीज से 0.98 पैसे तक। तो इसमें भी लोग बहुत बर्बाद हुए। तो इसमें भी देखो मार्केट कैप 186 करोड़ की, तो ऐसे शेयर में हमें पड़ना ही नहीं है। अगला शेयर है हमारा जो कि फिलहाल बहुत चर्चे में है, वो है सुजलॉन एनर्जी। सुजलॉन एनर्जी 407 रुपए का शेयर, 407 रुपए का शेयर। ये देखो यहाँ पे भी एक जमाने में ये शेयर ट्रेड कर रहा था 459 पे, 459 का शेयर गिर के सीधा, देखो इसने बहुत लो लगाया था, और हमने ये लेवल पे बाइंग के लिए बोला था 1 रुपए पे आसपास, जब एक कंसोलिडेशन था डारवास बॉक्स के अंदर ट्रेड कर रहा था, जैसे इसने ब्रेकआउट दिया इसमें एंट्री लेनी थी। और अभी ये अभी फिलहाल इसकी पॉजिटिव न्यूज चल रही है, इसलिए शेयर चल रहा है, और अभी 7 रुपए पर। सोचो जिसने ये 450-60 के आसपास खरीदा, वो 7 रुपए पे आ गया है, तो इसमें भी बहुत लोग बर्बाद हुए। नेक्स्ट शेयर है हमारा आरकॉम, नेक्स्ट शेयर है हमारा रिलायंस कम्युनिकेशन। रिलायंस कम्युनिकेशन में भी देखो कहाँ ट्रेड कर रहा था यार ये शेयर, बहुत ऊपर। रिलायंस कम्युनिकेशन का शेयर ट्रेड कर रहा था 844 पे, 844 से ये सीधा आ गया 2 रुपए 80 पैसे, और इसमें कुछ भी पॉजिटिव नहीं फिलहाल। तो रिलायंस कम्युनिकेशन से भी हमें दूर रहना है, इसमें भी बहुत लोग बर्बाद हुए हैं। 844 से 2 रुपए अभी ट्रेड कर रहा है, मतलब सोचो कोई मतलब क्या फील कर रहा होगा इतने खतरनाक गिरने के बाद। और इस लिस्ट में हमारा लास्ट शेयर है पीसी ज्वेलर्स। पीसी ज्वेलर्स अगर हम देखें तो देखो पीसी ज्वेलर्स का भी शेयर सेम मूवमेंट दी इसने, ऑल मतलब ऑल टाइम हाई शेयर ने लगाया था 600 रुपए का, तो 600 रुपए का शेयर अभी 28 रुपए पे आके गिरा है। इसमें समझो 600 वाला, 600 पे भी किसी ने एंट्री ली या 551 पे ली, उसके बाद शेयर गिरा था सीधा 220 217 रुपए के आसपास। तो 500 वाला लेके 217 पे तो 100% बेच दिया होगा, उसके बाद भी शेयर गिरता ही रहा गिरता ही रहा गिरता ही रहा, और उसने लो बनाया था 9 रुपए 30 पैसे का। 9 रुपए 30 पैसे का लो लगाने के बाद अभी 28 रुपए हुआ है, बीच में बहुत सारे आईपीओ आए उसका, इसको फायदा मिला और अभी 28 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। तो ये जो स्क्रीन पे आपको जो दिखाई दे रहा है, ये ऐसे शेयर्स है, बिगेस्ट वेल्थ डिस्ट्रॉयर, यस बैंक, वोडाफोन आइडिया, वीडियोकॉन, सुजलॉन एनर्जी, रिलायंस कम्युनिकेशन एंड पीसी ज्वेलर्स। ये शेयर्स ऐसे हैं जिसमें लोग बहुत बर्बाद हो चुके हैं, अगर इनमें कोई पॉजिटिव न्यूज है तो ही नीचे के लेवल पे एंट्री लेनी है, नहीं तो ये शेयर्स को आप लिटरली निगलेक्ट कर दो, कुछ पोटेंशियल इनमें नहीं है। तो ये अपना ओवरऑल एनालिसिस इस वीडियो पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय योर ट्रेड एंड टेक केयर।